चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। हम इस वीकली आउटलुक में जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे। अगर हम देखें तो पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा। हमने देखा जहाँ मार्केट ने लोज बनाए थे वहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर टॉक स्टार्ट हुई उसके बाद से हमने इक्विटी मार्केट में एक पॉजिटिविटी आते हुए देखी। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मगर जिस तरीके से टॉक्स हमने देखी, साथ में हमने भारत में जो इलेक्शंस हुए थे उसका रिजल्ट देखा, तो उससे एक पॉजिटिविटी इक्विटी मार्केट में आती हुई दिखाई दी। हालांकि हमने देखा डाउ जोन्स जो करीबन 1.99% की गिरावट के साथ 32,944 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, वहीं हमने निफ्टी और सेंसेक्स में 2% से ज़्यादा की बढ़त आती हुई देखी। सेंसेक्स करीबन 55,550 के स्तर पर क्लोज हुआ, निफ्टी करीबन 16,630 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,300 और 15,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस 17,200 से लेकर 17,550 का रहेगा। हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी के अंदर भी लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें बुलियंस की, जहां हमने बुलियंस में करीबन 2070 तक के हाई लगते हुए देखे थे और MCX में करीबन 55,000 तक के हाई आते हुए देखे थे, वहीं हमने देखा गोल्ड और सिल्वर में एक हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की टॉक स्टार्ट होती हुई देखी गई तो हमने गोल्ड और सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा। हालांकि क्रूड के प्राइसेस में भी हमने कुछ नरमी आती हुई देखी थी। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते गोल्ड के भाव करीबन 0.61% की तेज़ी के साथ 52,878 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। स्पॉट गोल्ड भी करीबन 0.89% की तेज़ी के साथ 1987 लेवल के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा। गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,200 से लेकर 51,400, रेजिस्टेंस 53,300 से लेकर 54,000 के बीच रहेगा। हमें लगता है कि अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ मार्केट में है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में ली जा सकती है और एक्सपेक्टेड है गोल्ड के भाव ऊपर में $2,020 और MCX में करीबन 53,300 तक के लेवल दिखा सकता है। सिल्वर के भावों में भी हमने देखा करीबन पॉजिटिव क्लोज होती हुई देखी गई। सिल्वर के भाव करीबन 1.75% की गेंस के साथ 70,370 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा स्पॉट सिल्वर करीबन 0.61% की तेज़ी के साथ $25.84 स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 68,000 और 66,000, रेजिस्टेंस 72,500 और 75,000 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है सिल्वर के भावों में अगले हफ्ते खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और सिल्वर के भाव ऊपर में करीबन 72,500 से लेकर 73,000 तक के लेवल को छू सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $26.50 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल में जहाँ हम पिछले कई हफ्तों से तेज़ी देख रहे थे तो पिछला हफ्ता एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होता हुआ देखा गया। हमने देखा कॉपर, जिंक, लेड, निकल, एल्युमिनियम सभी के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि हमने एक हाई वॉलेटिलिटी निकल के प्राइसेस में आती हुई देखी और निकल के भाव करीबन 250% की गेंस के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। हालांकि LME पर वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बैन कर दिया गया है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, मगर देखें तो LME बैन होने की वजह से MCX के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो ड्राइड अप होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अगला हफ्ता भी थोड़ा एक रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ रहेगा। हालांकि यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्जिन्स बढ़ते हुए देखे हैं और वॉल्यूम कुछ यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो सकता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में करीबन पिछले हफ्ते 3.5% की गिरावट के साथ भाव 810.40 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर सपोर्ट 795 से लेकर 780, रेजिस्टेंस 825 से लेकर 845 का रहेगा और जो रेंज रहेगी यहाँ पर भाव 790 से लेकर 825 के बीच मूव कर सकते हैं। जिंक के भाव भी करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 318.30 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 310 और 300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 330 से लेकर 345 का रहेगा। यहाँ पर जो रेंज है वो करीबन 310 से लेकर 330 की रहेगी, यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो सकता है।
वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के भाव भी करीबन मोर देन 8% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए और 282.65 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 275 और 264, रेजिस्टेंस 294 और 304 रहेगा। यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो 275 से लेकर 294 के बीच प्राइस मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड के प्राइसेस में हमने हायर लेवल से गिरावट आते हुए देखी। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के भाव करीबन $132 पर बैरल के स्तर पर आते हुए दिखाई दिए थे और वहीं से हमने एक गिरावट आती हुई देखी। और हमने देखा MCX में भाव करीबन 2.86% की गिरावट के साथ 8,335 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इस बार हमने देखा US के अंदर ऑयल रिग्स काउंट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक हमने ये भी देखा कि UAE ने भी बोला है कि वो आने वाले समय में क्रूड की जो सप्लाई है वो बढ़ा सकते हैं। साथ में रशिया भी एग्री है क्रूड ऑयल को आगे देने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो क्रूड की सप्लाईज हैं वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में कुछ बढ़ सकती हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो क्रूड के भाव में सपोर्ट 7,900, रेजिस्टेंस 7,400, रेजिस्टेंस जो रहेगा 8,700 से लेकर 9,100 के बीच रहेगा और सपोर्ट 7,900 से लेकर 7,400 के बीच रहेगा। हमारा मानना है कि यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रह सकती है, यहाँ पर हायर लेवल पे बिकवाली का ट्रेड हम देख सकते हैं। क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज रहेगी 7,900 से लेकर 8,700 के बीच प्राइस मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक नेचुरल गैस का सवाल है, यहाँ पर भी हमने नेगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी। हमें लगता है नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो लेवल्स हैं नीचे में सपोर्ट 340 और 325, रेजिस्टेंस 385 से लेकर 400 के बीच रहेगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेंज है 340 से लेकर 385 के बीच प्राइस मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा मानना है कि हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते आने वाले समय में क्रूड के भावों में, क्रूड के भावों में और नेचुरल गैस के भावों में सप्लाई का असर रहेगा और जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर कुछ बढ़ सकती हैं, इससे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी में हमने देखा था USD INR करीबन 0.27% की गेंस के साथ 76.56 के लेवल पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि इक्विटी मार्केट में बढ़त आने की वजह से और क्रूड के भाव नीचे आने की वजह से हमें लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट कुछ अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है और USD INR में बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। यहाँ पे जो रेंज रहेगी 75.90 से लेकर 77 के बीच रहेगी। यहाँ पर रुपी अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, तो USD INR में मीन्स डॉलर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। अगर हम यूरो INR की बात करें तो यूरो INR में भी हमने एक अप्रिशिएशन आते हुए देखा और ये करीबन 0.5% की गेंस के साथ 84.40 के बीच मूव करता हुआ दिखाई दिया। हमारा मानना है यूरो INR के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पर सपोर्ट 83.60 से लेकर 82.80, रेजिस्टेंस 85 से लेकर 85.60 का रहेगा। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में लेवल 85 से लेकर 85.50 तक के लेवल यूरो INR में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में ग्वार सीड में अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और ग्वार के भाव करीबन 2.77% की गेंस के साथ 6,201 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5,900 का, रेजिस्टेंस 6,550 का रहेगा। यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और ग्वार के भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। भाव ऊपर में 6,550 के स्तर को छू सकते हैं। जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर हमने करीबन 1% से ज़्यादा की गेंस आते हुए देखे और जीरे के भाव 21,140 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जीरा में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 और 22,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। एक्सपेक्टेड है जीरे के भाव ऊपर में 22,500 के लेवल को छू सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड और लोअर सप्लाईज होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल के की, जहाँ पर हमने अगेन एक गिरावट आते हुए देखी और भाव करीबन 0.25% की गिरावट के साथ 3,126 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉटन सीड ऑयल केक में डिमांड कम होने की वजह से, हायर लेवल्स पर डिमांड कम होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में भाव कुछ और नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट 3,050 और रेजिस्टेंस 3,250 रहेगा। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और भाव नीचे 3,250 के से नीचे ट्रेड करते हुए करीबन 3,050 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। आशा करते हैं आपको ये वीकली आउटलुक पसंद आएगा, आपके ये पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आज ही आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Twitter चैनल को सब्सक्राइब करें, Telegram चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको ऐसी अपडेट्स देता हुआ रहता है और आपके पोर्टफोलियो में, आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसी के साथ धन्यवाद। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।
कौन सी कम्युनिटी आज देगी मुनाफा।